एक और जरूरी सवाल। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में हमें बताया कि कोरोना सुनामी से लड़ने के लिए वे 15,000 करोड़ रुपए आवंटित कर रहे हैं। देश की जनसंख्या है 1.3 बिलियन यानी 130 करोड़ लोग। अगर इसका सिंपल सिंपल गणित देखा जाए तो प्रति व्यक्ति यह पड़ता है 115 रुपए 30 या 50 पैसे, और 21 दिनों का हिसाब लगाया जाए तो प्रति व्यक्ति, प्रति भारतीय नागरिक सरकार खर्च कर रही है 5 रुपए, 5 रुपए 40 पैसे, 5 रुपए 30 पैसे। और वहीं इसी दिल्ली को, दिल्ली की जो लूटियंस दिल्ली है, पार्लियामेंट है, राष्ट्रपति भवन है, उसे चमकाने के लिए खर्च किए जा रहे हैं 20,000 करोड़ रुपए। जिस समय देश कोरोना की सुनामी से लड़ने के लिए पूरा जोर लगा रहा है, जहां पे हमें पता है डॉक्टर्स चीख चीख के बोल रहे हैं कि पैसा नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, मास्क नहीं है, वहां सरकार क्या नोटिफाई करती है? 20,000 करोड़ रुपए नई संसद के लिए, नए भवनों के लिए खर्च किए जाते हैं, और 15,000 करोड़ रुपए पूरे देश के लिए, उस देश के लिए जहां अस्पताल नहीं है, जहां वेंटिलेटर्स नहीं है, जहां मास्क नहीं है, वहां के लिए 15,000 करोड़ रुपए। कितनी शर्म की बात है कि ये मोदी सरकार ऐसे समय कर रही है जब वह पूरी की पूरी लड़ाई को सिर्फ एक व्यक्ति के पीआर मैनेजमेंट में तब्दील करने की कवायद कर रही है। यहां पर जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं, वो सामूहिकता की बात नहीं करते, वे कैबिनेट की बात नहीं करते, वो इन पर्सन बात करते हैं। इन पर्सन भी वो देश के लोगों के लिए कुछ भी खोलने को तैयार नहीं। हमारे आपके पैसे से जो सरकारी खजाना भरा हुआ है, उसे भी कायदे से खर्च करने के लिए तैयार नहीं। हमारे पास तमाम रिपोर्टें हैं जो बता रही हैं कि अगर सही ढंग से फंड नहीं खर्च किया गया तो जो सेहत कर्मी हैं, जो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं, जो सफाई कर्मी हैं, जो इस देश को साफ करने, इतनी विपरीत स्थितियों में भी साफ करने में लगे हुए हैं, अस्पताल को साफ कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा खतरे के जोन में हैं। इनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। हमें और आपको ऐसे समय यह पूछना बहुत जरूरी है इस सरकार से कि यह 20,000 करोड़ रुपए क्यों ऐसी चीज पे खर्च किए जा रहे हैं जिसकी जरूरत प्रधानमंत्री के पीआर इमेज के अलावा किसी को नहीं है।